नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पावर प्लांट में। पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे कि कन्वेयर से कोयला कैसे जाता है। आज देखेंगे कि जो रोल कर रहा है बेल्ट के नीचे, इसको क्या बोलते हैं। यह तीन प्रकार का होता है। पहला कैरिंग आइलर, जो किनारे किनारे पर लगा हुआ है उसको कैरिंग आइलर बोलते हैं। एक बीच में लगा हुआ है उसको सेंटर आइलर बोलते हैं। और एक नीचे लगा हुआ है उसको रिटर्न आइलर बोलते हैं। वह कन्वेयर के नीचे होता है, रिटर्न सबसे नीचे जो कन्वेयर बैक आता है पीछे से, उसको रिटर्न आइडल बोलते हैं। ये वाला आइडलर और ये वाला आइडलर कैरिंग आइडलर होता है। और जो बीच में लगा हुआ है इसको सेंटर आइडलर बोलते हैं। और ये जो नीचे लगा हुआ बेल्ट के नीचे, इसी को रिटर्न आइडलर बोलते हैं। ये बेल्ट के नीचे होता है, रिटर्न में जब बेल्ट आता है वहाँ पर लगा होता है, इसी की मदद से बेल्ट पीछे की ओर जाता है। और ये जो लगा हुआ है ऊपर कैरिंग आइडलर और सेंटर आइडलर, इसकी मदद से बेल्ट आगे की तरफ चलता है। ये रोल करता है और बेल्ट आगे चलता रहता है। कन्वेयर जो होता है वो आमतौर पर रबर का बना होता है। ये जो दिख रहा है इसको ट्यूब बोलते हैं। इसी से कोयला होकर कन्वेयर पर आकर गिरता है और कन्वेयर से कोयला आगे जाता है। कन्वेयर बेल्ट एक तरह का कन्वेयर सिस्टम का हार्ट होता है, जिसके माध्यम से किसी भी सामान या रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये जो सामने दिख रहा है इसको कोल सैंपलिंग यूनिट बोलते हैं। ये कोल सैंपल के लिए बनाया गया है। इसमें सेंसर लगा हुआ है, इसके नीचे से बेल्ट जा रही है, कोयला जा रहा है, तो इसमें इसका सैंपल लिया जाता है कि कैसा कोयला है, कोयले की क्वालिटी कैसी है, इससे चेक किया जाता है। इस कन्वेयर की कैपेसिटी 1400 टन तक है। अगर इस पर 1600 टन से ज़्यादा फीडिंग करेंगे तो बेल्ट टूटने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए नॉर्मली इस पर 1000 से 1200 टन की फीडिंग की जाती है।